सीताराम सीताराम आप चाटी पढ़ लो। बाला जी की जय हो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्यों नंगा हो जा रहे रे? मुझे स्कूल पहन पहनेगा छोटा छोटा हाफ पैंट पहनेंगे। चल चुप कर। तो कैसे हो फ्रेंड? आज मैं मॉर्निंग में ही आ गई। बहुत अच्छा। भाग जा। आज मैं मॉर्निंग में आ गया। रोज एक ही टाइप का ब्लॉग देती हूँ। आज सोचा थोड़ा सा अलग ब्लॉग दूँ, इसीलिए ओके। तो देखो कैसे आप देख रहे हो। एक्चुअली कैमरा नहीं देख रहे हो, दूसरा साइड कुछ और देख रहे हो। हो गया सुबह का 8:30 बज गया। ओके 9:15 बजे मेरा मॉर्निंग हुआ है और अभी मैं ब्रश कर रही हूँ। जी जी ठीक है। दिशा सामने से हट जा। तो ब्रश कर रही हूँ और पीछे से दिशा आवाज़ भी दे रहे थे, मुझे लेके जाओ। उनको सोने उठते हैं ना जब मॉर्निंग में, तब उनको गोद में लेना पड़ता है। तो मैं ब्रश करने में बिजी हूँ, उनको कौन गोद में लेगा। दिशा मेरा मोबाइल में अभी पैर देती तू। कितना बदतमीज रे, उसने मेरा कांच को भांगा। तूने मेरा कांच को तोड़ा है मोबाइल का। चुप कर। तो फिर मेरा ब्रश हो गया। दिशा बहुत परेशान कर रही, पीछे से वॉइस देने नहीं दे रही। तो फिर मैं कुलकुची कर रही हूँ। कुलकुची? हाँ, कुल ब्रश के बाद कुलकुची तो करना पड़ता है क्या? हाँ, और जीभ छुला का है। जीभ छुला भी कर लिया। मुझे भी घुसने का उधर। मैं घुसूँ? तू आएगी, लेकिन तुझे कैमरे में लिया नहीं मैंने। क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं, तू बता मुझे, तुझे लेके क्या करें? नाचोगी? ओके उसके बाद मैं मेरा मुख को फ्रेश कर लिया पानी डाल के। आप सब भी ऐसे ब्रश करते हो क्या? नहीं प्लीज बताना। और अभी जाके देखो दिशा के पूरा रेडी कर दिया। दिशा को ब्रश करवाया, उठाया, चाय बनाया और उनको रेडी करवा के अभी बिस्किट खिला रही हूँ। खुद को तो खाना आता नहीं, मुझे खिलाने आई है। बिस्किट खिलाना। और तुम तो छुट्टियों का दिखा रही थी ना। तो हम लोग चाय बिस्किट खा रहे हैं। अब सबको खाना है तो आ जाओ। उसके बाद आगे दिशा स्कूल भेजा नहीं, बाद में भेजूंगी। ठीक है, वो तब तक रेडी हो रहे, जूता टूता पहन रहे। दिशा मैं तो जब देख पीटूंगी। क्या कर रहे हो? और बिस्तर पूरा गंदा करके रखा है, तो मैं बिस्तर को साफ कर रही हूँ। तेरे से भी ज़्यादा मुझे गर्मी हो रही है। मेरे बाल खुला है और मुझे अब बहुत गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है। चुप कर। ओके तो मैं ब्रश कर ही लिया, रेडी भी हो गई जैसा कि स्कूल जाने के लिए। और मेरा पेट भी साफ कर लिया, चादर वेदर घड़ी कर ली। और आज थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम करूँगी। ऐसा नहीं है रोज़ रोज़ जैसे खाना बिना देती हूँ, आज मैं खाना बिना बनाना नहीं दूँगी, दूसरा कुछ और दूँगी। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू कीजिए, कैसा लगा प्लीज़ बताना। ठीक है, बहुत गर्मी। तो मेरे पेट को साफ सफाई ऑलरेडी हो भी गया और उसके बाद मैं नहा भी लिया, खाना भी बना लिया, पूरा रेडी हो गया है। देखिए हाँ समझ रहे हो, पूरा रेडी खाना बिना बना के। और अभी मैं नीम का पत्ता आप देख रहे हो, एक साइड से कच्चा नीम पत्ता। दोपहर को पहले बोला मैंने तोड़ के लाओ, तो उसने तोड़ के लाया, नीचे ही था। तो मैं उनको उबाल लिया है। उबालने के बाद ये रस जो निकल गया देख, ठंडा कर ली। ठंडा करने के बाद पत्ता को सब सारे छान लिया। ठीक है, तो ये पानी देखो, पत्ता का जो रस है वो पूरा निकल गया। ठीक है, ये पानी एकदम पूरा करवा ही करवा हो गया। और उसके बाद आप सबने देखे, वो 2-3 दिन से मेरा खुजली बहुत हो रहे थे। डॉक्टर भी दिखाया, दवाई भी खाया, पता नहीं क्यों नहीं जा रहे। तो मैं सोचा जा नहीं रहे डॉक्टर दिखाने के बाद भी, तो थोड़ा नीम का पत्ता रस निचोड़ के लगा लूँ, देखो सही होता है क्या। मैं बोल रही हूँ मैं फेस पे लगाऊँ क्या? डर लग रहा है फेस पे लगाने के लिए।
जैसा चुपचाप एक जगह में बैठ बैठ अभी बैठू घूर ऐसे घूम अगर बाप देखेगा तो देख क्या करे ऐसे घूमते रहे थोड़ा हुआ है खुजली नहीं चाहिए मुझे घूम मुझे खुल गया है। तो फिर नीम का पत्ता रस में थोड़ा सा फेस पे गर्दन पे लगा लिया और दोपहर के मैं बोल रही थी थोड़ा लगा दो ना यार मेरे पीछे मैं लगा नहीं पा रही हूँ जैसा मेरे बाल खींच मत और बाद में मैं वीडियो को ध्यान से देखा छोटा 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 दाना निकल गया वो कैमरे पे आया नहीं लेकिन सच में दाना निकला और दोपू को कितना बार बोलूं पीठ पे लगा के ही नहीं दे रहे जैसे मैं बाहर की औरत हूँ अगर पीठ मेरा छू लिया तो कुछ गुनाह कर दिया তখন দাগ হয় ছোট ছোট হয় না পা ওই তো ওমনি হচ্ছে রোনা মা তুই ফির মানে দোপু নে মুঝে লাগা কে দে রহি দিশা চড্ডি পহন বদতমিজ মত কর ঠিক হে আর ইস সাইড আর জব মুঝে না রস লাগা রহে থে আর ইতনা জোরো সে খুজলি হো রহি ক্যা বাতাও হ্যাঁ এরো কোথায় শরীর আছে ইতনা জোরো সে আমি খুজলি হো রহি ক্যা বাতাও और आप सब ये बताइए गले में जो तुलसी का माला पहनते हैं काला क्यों पड़ गया काला तो होते नहीं है लेकिन हमारा दोनों का ही काला कैसे हो गया क्यों हो गया काला बहुत गर्मी है इधर यही है खाली नौटंकी लाइट का नानी के गांव जाऊंगी अगले महीने में नहीं अभी चलो ठीक है पूरा खोल दी इतना खुजली हो रहा है ऐसा लग रहा है पूरा खोल दूँ मैं और मुझसे रहा नहीं जा रहे खोलने का मन हो रहा है मैं गर्मी मर जाऊंगी मैं कोई खुजली कर दो यार मैं रहा नहीं जा रहा मुझसे कोई खुजली कर दो अरे मेरा पीठ में नहीं बैठ चैप्टर स्टार्ट नहीं हाल तो 500 का वाला जाना वो तो जाबे ही बेटा जावा रहा छोटा जा रहा गरम हो रहा है पूछो ही मत इतना गर्म आए मां दिशा गेट बंद मत कर बहुत गर्मी हो रहा है ऑलरेडी और तू गेट बंद कर देगी तो और मर जाऊंगी ऐसे आधा मर गई ऐसे धूप का तेज और गर्मी बहुत ভালো ডাক্তার আছে।